छतरपुर में रिश्तों को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने जेठ के ऊपर रेप का आरोप लगाया है और इसमें अपने पति के शामिल होने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर के बमीठा में एक विवाहित महिला ने आरोप लगाया है कि उसके जेठ घनश्याम कुशवाहा ने कई बार उसके साथ रेप किया और जब उसने पति गोविंद कुशवाहा से शिकायत की तो पति ने अपने भाई का साथ देते हुए इसे घर की बात कहकर और बाहर ना कहने को कहकर टाल दिया। जब नवविवाहिता अपने पति और जेठ के इस बर्ताव से परेशान हो गई तो उसने इसकी शिकायत अपने माता पिता के साथ जाकर बमीठा थाने में की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पाटन में एक महिला ने कल थाना करके रिपोर्ट किया। पाटन की है वो जवाना सटई की रहने वाली है। पाटन में उसकी शादी हुई है, ये पिछले वर्ष शादी हुई थी। तो वह अपने ससुराल पाटन में पति के साथ रहती थी। तो अपने दीपावली के 5 दिन पहले की उसने रिपोर्ट थाने पे आके बताया कि 5 दिन दीपावली के 5 दिन पहले वह अपने घर में काम कर रही थी। रात्रि समय 8 बजे करीब तो इसका जेठ वहीं बगल में रहता था, घनश्याम कुशवाहा। तो उसने उसके साथ में घर में घुस करके उसका जबरदस्ती बलात्कार किया। फिर 3-4 बार और भी बीच बीच में बलात्कार किया और आखिरी बार उसने होली के 10 दिन पहले जेठ ने बलात्कार किया। फिर इसने महिला ने अपने पति से संबंध में शिकायत की, बताया घटना। तो पति बोला कि घर की बात है, घर में रहने दो, कहीं मत कहना। और फिर ये पति का गोविंद कुशवाहा है। तो पति गोविंद कुशवाहा जो जेठ बलात्कार करता था तो उसमें ये सहयोग पति किया करता था। इस संबंध में फरियादिया ने रिपोर्ट की थी तो कल अपराध कायम कर विवेचना। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।